हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी मैं उठ चुकी हूँ। सुबह हम सब जने उठे थे 4 बजे और सब जने रेडी हो गए, चिकू रह गए लास्ट में, सब जने मंदिर पहुँच गए, हम दोनों जाने बाकी हैं। तो जल्दी से अब चिकू को करवाती हूँ रेडी और फिर वहाँ मंदिर जाके मिलते हैं। अगर हो सका तो कैमरे में शूट करूँगी क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। हमने कल बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत शूट कर पाए थे इसलिए, क्योंकि इशूज़ थे कुछ लोगों को। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं मंदिर। अभी हम निकल रहे हैं पर कैमरा वहाँ पर अलाउ नहीं है, सो नहीं ले जा रही हूँ। फ़ोन से जितना शूट हो पाएगा उतना मैं करूँगी और आपको दिखाऊँगी। अभी हो गई है 5:30 और हम दोनों हो गए बहुत ज़्यादा लेट। जल्दी से चलते हैं क्योंकि सुबह की हमको आरती अटेंड करनी है। इसलिए पापा मम्मी और सब लोग चले गए हैं, इसलिए चिकू और हम दोनों दौड़ रहे हैं, हम दोनों रह गए हैं इसलिए। आप दीपा से रहे लो कीमती सामान सातवी ने राखो, भीड़ मां पिता सासुओं की सावधान रहो। अभी आ गए हैं हम रूम में और चेकआउट करने का टाइम हो गया। सब कर रहे हैं पैकिंग, जो अनपैक किया था रात को आकर, और गीले कपड़े वगैरह सब पॉलीथीन में डाल रहे हैं क्योंकि कुछ भी सूख नहीं पाए, क्योंकि मौसम भी हो रहा है एकदम बारिश वाला, थोड़ी हवा थी तो थोड़े बहुत ही ड्राई हो पाए, सूखे तो नहीं है। तो कर लेते हैं हमारी वापस से पैकिंग और फिर हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा। अभी हम सब जने जा रहे हैं बिना दीदी, तो अब हम डराएंगे, प्रैंक करेंगे अब इनके साथ। अब तो बाहर निकली। ओ चिकुली भी दो है, लड़ा रही है। अरे गिर गई, चलो है, बूट रख दिया अपने। हाँ बिना दी बूट रख दी। हाँ रख दिए, क्यों नहीं मैं पूछ रहा, बूट रखे एक मिनट। यस, हम दोनों निकल चुके हैं, हम सभी निकल चुके हैं, पर हम लगेज लेके जा रहे हैं नीचे कार में, वो कार में सारा रख देते हैं और फिर निकलते हैं वडोदरा के लिए। क्या हुआ, गाड़ी रुक क्यों रही बार बार? घमंड आ गया बिना देखो। अचानक से आ जाता है यार, रुक रुक के। मोटा रूमाल कौन लेके जाता है, पतले रूमाल लेके जाने चाहिए। आज इतने जनों के फोटो बिगड़े, कोई फोटो खिंचवा ही रहा हूँ, मैं जाके खड़ी हो जाती हूँ। मेरे को बहुत मजा आता है इन सब चीजें करने में। पर फिर मैं इतना मोटा रूमाल कौन लेके जाता है, अरे पतले लेके जाने चाहिए। क्या क्या फिर वजन लगता है। हाँ सही है, पर आज तो हैंडसम लग रही हूँ। अभी हो रहा है हमारा लगेज सेट पूरा और हम फिर निकल रहे हैं। अभी हम यहाँ पर रुके हैं, हमारा हुआ है चाय का ब्रेक, सब जने एक एक उतर रहे हैं गाड़ी से और चिकू इतनी आलसी बता रहे हैं कि यहाँ पर मम्मी कह रहे हैं मेरी शूटिंग लो। ओ ले लाए नहीं आता, ओ भैया बांध दो इसको। यहाँ पर हमारी दीदी है, वो झूला झूल रही है, अभी हम भी झूलेंगे और मम्मी को भी झूलने के लिए बोलेंगे। हाँ पियोगे ना, कार में तो सोया ही नहीं जा रहा। जी हमको सोना ही खाट है, यहाँ पे झूला लगा है। वीडियो
हम सब जने यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर मम्मी पापा झूला झूल रहे हैं, यहाँ पर चिकू ड्रोन उड़ाएंगे और हमारी वीडियोस लेंगे। अभी हम पी रहे हैं चाय जो कि बहुत टेस्टी आई है और सच में बहुत अच्छी है। दो दिनों के बाद हमको इतनी अच्छी चाय मिली है। चाय को एंजॉय करते हैं, आप व्लॉग को एंजॉय करो। हम रुके थे इस रेस्टोरेंट पर और चाय कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ऐसी चाय हमको कहीं पर भी पीने नहीं मिली, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अच्छी। और दो दो चाय सबने पी, सिर्फ मम्मी ने ही एक कॉफ़ी पी है। अब हो जाती है हमारी जर्नी स्टार्ट, यहाँ पे हो गई है पैकिंग चिकू की कंप्लीट। तो अब चलिए चलते हैं। ये हमारी गाय और ये हमारी जो कि दोनों खुली हो गई, तो अब इनको भेजेंगे चलने के लिए। अभी बज रही है 1:30 और हम आ गए हैं लंच करने के लिए। तो होटल अभी मिली है क्योंकि हम अब एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं। सो चलिए दिखाते हैं होटल, पकड़ो। हाँ जी भैया, ये व्हाट्सएप पे ये भाई साहब का ये रही होटल, क्या नाम है अपन है ना यहाँ पे दाल चावल, शालीमार होटल का नाम है। देखते हैं अब खाना कैसा मिलता है यहाँ पे। ये आपकी प्लेट, ये मेरी चपाती, ये मेरी प्लेट। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पनीर भुर्जी बहुत टेस्टी है, अभी दाल टेस्ट कटोरियाँ मंगवाएंगे फिर कटोरियाँ। सब्जी अच्छी है, पनीर भुर्जी तंदूरी होती तो और मज़ा आ जाता। तंदूरी की कमी लग रही है आपको भी? बिल्कुल लग रही है। सामने जो किराना स्टोर है ना, ये हमारा दुखी भाणेजे जो आया नहीं है घूमने। देख लो इसको, होशांग पंजाब। देखो ये वाव की विटामिन सी सीरीज लगा के गोरा हो गया, पहले बहुत काला था। रुक जा अब बोल विटामिन सी की क्रीम तो इसके क्या हो रही है? विटामिन सी की क्रीम बहुत अच्छी है, सिंपल सब हट गए। हाँ जी जी, कैसी है? बस अच्छी हूँ। अच्छी है तू? अच्छा, खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अच्छा और कैसी? और मेरे को भी बहुत इच्छा थी आने की यार, तुम तो मेरे को लेके भी नहीं गई। मेरे को भी बहुत इच्छा हो रही आने की, तो अब तो मैं भी सोच ही रही आ जाऊँ। और ऐसे अभी हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास में जो रिसोर्ट बुक किया है वहाँ पर आ चुके हैं और हमको दूर से दिख रही है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बताएंगे वो कॉमेडी नहीं, अभी बताएंगे बिना दीदी। बताओ बिना दीदी, बोलो आदमी को। नर्मदा नदी अभी बिना बिना जवानी आदमी को वही कारोबारों को देखा आदमी। हम आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, यूनिटी विलेज रिसोर्ट। अच्छी जगह है यार, उतर के बताएंगे। ये है रिसेप्शन, अभी यहाँ पर जाके कंफर्म करेंगे हमारी बुकिंग। हालांकि हो गई है पर जो भी हमारे रोकड़ा डाल देता है। चलो जो भी फॉर्मेलिटी है जिया जी और चिकू पापा पूरी करेंगे, हम झूला झूलते हैं। ये बच्चे वाले में क्या बैठ रहे हो, बड़े वाले में बैठे? आजकल हम बच्चों वाले में भी आ जाते। वाह मस्त हवा है, मजा ही अलग है। तो क्या जिया जी कहेंगे ये रोमांचक झूला झूलवा भाई जी। हवा भी क्या शानदार आ रही है। वो होटल वाले देख रहे आते ही बैठ गए।
क्या जोरदार मौसम हो रहा है, मजा ही आ गया है, एकदम शानदार वेदर हो गया है। बादल भी इतने अच्छे हो रहे हैं और हम यहाँ पर झूल रहे हैं, झूला। चाय कॉफी नहीं पीनी। हमारा रूम लॉक और हम सब जने निकल रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए। सब हो गए रेडी, मम्मी हो गए रेडी, चिकू हम और मैं भी हो गई, पता नहीं है, खुद को भी पता नहीं है। जिया जी कहीं लेके जा रहे सरप्राइज है। अभी हम सब जने घूमने के लिए जा रहे हैं ग्लो गार्डन। यहाँ से देखो वो रही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जाके हम कल जाएंगे। देखते हैं कि थूकना मना है, यहाँ लिखा है थूकना खतरनाक हो सकता है। ये आ चुके हैं हम ग्लो गार्डन में, अब हम पे कितना ग्लो आता है हम देखते हैं। किधर से चालू करने का, किधर से खत्म करने का? चिकू की शादी वैसी लगी। किधर जाने का? शानदार लाइटिंग के साथ गार्डन को रेडी किया गया है। जिया जी का पोर्ट्रेट शूट हो रहा है। वो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ओ वो तो जबरदस्त है। कैसा लग रहा है आपको लाइटिंग देख के? नहीं, बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त चीज है। सही बात है, यूनिटी के प्रतीक। हम सब जने कर रहे हैं यहाँ पर हमारा फोटो सेशन, जैसे कि आपने चांद देखा होगा और चांद के ऊपर हुआ हम सबका फोटो सेशन, और बहुत अच्छा हुआ फोटो सेशन। वो भी फोटोज मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी तो आप देख सकते हो। अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है। पीछे जो डैम है वो, उसकी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है। ये मम्मी हमारी थक के बैठ चुकी है। इतना प्यारा व्यू दिख रहा है पीछे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और यहाँ हो रही है फोटोग्राफी, तो चिकू कर रहे हैं फोटोज क्लिक सबके। मेरा लेंस है वो वापस लग चुका है, क्योंकि पीछे का जो व्यू था वो अच्छे से कवर नहीं हो रहा था, इसलिए लेंस किया था चेंज। और अब कवर करेंगे गार्डन का दूसरा पार्ट। मम्मी खरगोश आपड़े वालों कितना चेंज है जो ये ब्लॉग में।
ये अलग ही सिस्टम है ना। क्या कलर से कलर मिलाना है क्या? कुछ और है, यूं ही टाइम पास है। ले लो एक फोटो यहाँ पे हो रहा है मेरा फोटो शूट। बहुत ही अच्छा गार्डन है इसका। जो जो नेक्स्ट एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्लावर हैं, डिजिटल फ्लावर बोल सकते हैं इनको, लाइट वाले। ये इस गार्डन का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट। और यहाँ हो रहा है फोटो सेशन। एक फ़ोटो से मन नहीं भरा इसलिए हम और फोटो खींच रहे हैं। कहाँ पे? नेम पे। अच्छा नेम पे होगा, यहाँ से ही दिखेगा ना। रोह पतली लग रही है। और पतली लगूंगी। हमने यहाँ पर घूम लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये गार्डन, बहुत मज़ा आया। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। फिर हमारा डिनर है वो लंच में ही है, और सॉरी होटल में ही है, तो वहीं पे जाके हम डिनर करेंगे। बहुत ही अच्छा था। आ गए हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया हम आ गए हमारे रिसोर्ट पर, और रात का कुछ व्यू है ऐसा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। हवा भी मस्त चल रही है। हाँ, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर हम झूले झूल रहे थे, बहुत अच्छी आ रही है हवा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बहुत अभी रात की बज रही है 11, और रात का व्यू कुछ ऐसा है। हम सब जने यहाँ पर बाहर ही बैठ के बातें कर रहे थे, तो बस आज पूरा दिन हम बहुत अच्छे से घूमे और मस्ती की। बस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग। बाय।